वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम हैं एक भैया के साथ जो टैटू बनाते हैं, टैटू आर्टिस्ट भी है और ड्राइंग आर्टिस्ट भी है। ठीक है, आप लोगों को उनसे बात करवाते हैं। आप अपने बारे में बताइए। मैं एक टैटू आर्टिस्ट भी हूँ। मेरा नाम चंचल सिंह हो और मैं डानकुनी में रहता हूँ और मैं टैटू भी बनाता हूँ, ड्राइंग भी सिखाता हूँ। अगर किसी को हाइजेनिक टैटू बनवाना है और जैसे कोई फास्ट सोच रहा है कि फ़ास्ट टाइम उसको टैटू बनवाना है, बहुत ज़्यादा लगेगा, और कोई कोई होता है कि घर में बिना बोले आ जाते हैं कि टैटू बनवाने के बाद हम घर में बताएंगे, और उसके बीच अगर इन्फेक्शन हो जाता है या फिर कलर नहीं भी आता है तो उसको और भी ज़्यादा टेंशन में वो पड़ जाते हैं। तो इसलिए बोलूँगा, जो फर्स्ट टाइम सोच रहा है कि मैं टैटू बनवाऊँगा तो बिना सोचे आ सकते हो, क्योंकि बिल्कुल हाइजीन मेंटेन करके यहाँ पर टैटू बनाया जाता है। अपना फीस बता सकते हैं आप, कितने इंच के हिसाब से बनाते हैं या पर टैटू का फीस रखे हैं? अभी जैसे कि कोई भी बड़ा स्टूडियो में जाओगे तो 700-800 हज़ार रुपया इंच तो है ही, लेकिन मैं लेता हूँ 500 पर इंच, एक इंच बाय एक इंच। और अगर ये एकदम 2-3 इंच 4-5 इंच का टैटू होगा तो सही है, और टैटू थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसके हिसाब से हम फिर भी एडजस्ट करके रेट बता देते हैं, ताकि मैं देखता हूँ कि जो इंसान करना चाहता है वो पे कर पाए और हम भी उसको अपना काम दिखाने के लिए, सबको दिखाने के लिए हम भी उसका काम कर पाए। आज का जनरेशन के लिए तो ये कंपलसरी हो चुका है कि ज़्यादा कोई कोई रहता है कि हमको टैटू बनवाना है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। लेकिन हम वो भी सोचते हैं कि हाँ वो भी बनाए, क्योंकि मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, इतना पैसा देके मेरा भी पॉसिबल नहीं है, सबके लिए पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इसका कोई साइड इफेक्ट भी है? नहीं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हम कभी कभी सोचते हैं कि इसका साइड इफेक्ट होगा तो क्या होगा, अगर होता है सुनते हैं कि कैंसर हुआ है, ये हुआ है, ब्ला ब्ला ब्ला, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि आप कहाँ जाके बनवा रहे हो। ये फास्ट कि कौन, जो टैटू आर्टिस्ट आपका टैटू बना रहा है वो कितना हाइजीन मेंटेन कर रहा है, अगर वो हाइजीन मेंटेन कर रहा है तो फास्ट होगा ही नहीं। और सेकेंड, जिसके पास आप बना रहे हो तो कुछ आपको टैटू बनाने के बाद कुछ रूल्स बता देंगे कि ऐसे ऐसे करके आपको रखना है, तो रूल्स मेंटेन करने से कुछ भी नहीं होगा। अब ज़्यादा पेन भी होता है क्या ये टैटू बनवाने से? नहीं, कोई ज़्यादा से ज़्यादा लड़की लोग होती है जो कि सुई चुवाने से भी, इंजेक्शन लगाने में भी उसको डर लगता है, तो वो भी आके बैठ के मतलब हंसते हंसते बना के जाती है, लेकिन सबसे पहले उसको यही डर लगता है कि बाप रे इतना बड़ा सुई है तो कितना लगेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, शुरुआत में लगता है हल्का बहुत और फिर धीरे धीरे एडजस्ट हो जाता है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि नहीं लगता है, लगता है, लेकिन ऐसा कि सह पाओगे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट से हमने सुना कि आप ड्राइंग आर्टिस्ट भी, ड्राइंग टीचर भी है जो ड्राइंग भी सिखाते हैं बच्चों को, उसके बारे में क्या बताएंगे आप, उसका कितना फीस लेते हैं? ड्राइंग और ड्राइंग कोचिंग सेंटर है क्या उसके लिए? हाँ, मेरा कोचिंग भी है, मैं हफ्ता में एक ही दिन मैं अपने घर में ही सिखाता हूँ। और सब मेरा टैटू का काम ड्राइंग से ही आया है, क्योंकि मैं ड्राइंग में अच्छा था इसीलिए इसी लाइन में आया। और अगर कोई सोच रहा है कि मैं टैटू आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ या टैटू लेके आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो सबसे पहले ये बोलूँगा, आप पहले ड्राइंग सीखो, ड्राइंग आपका अच्छा है तो आप इस लाइन में आओ, क्योंकि ये जो है मशीन चलाना, कैसे सेटिंग्स करना, ये सब तो कोई भी सीख पाएगा, लेकिन इस चीज़ लेके अगर आपको आगे बढ़ना है तो ड्राइंग अच्छा होना उसके जरूरी लिए है। ड्राइंग मतलब कंपलसरी है कि पहले सीख लो, पहले ड्राइंग तो जरूरी आप है। कब से सीख रहे थे ये सब? मैं बचपन से ड्राइंग जानता हूँ, सीखता हूँ, और ये अभी मेरा जो है ये टैटू का बिजनेस जो भी है तो ये 2 साल से मेरा चल रहा है। अच्छा, तो आपका जैसे कि आप मार्केट के हिसाब से जो अदर स्टूडियो उसमें ज़्यादा फीस लिया जाता है, बहुत हाई रेट का फीस है, आपका इतना कम होने का कारण? मेरा वही मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, एक कम रेट में बना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सस्ता चीज़ है तो बकवास है। ठीक है, क्योंकि मेरा क्योंकि मेरा जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता हूँ सब मेड इन यूएसए का है, और कलर वगैरह, सुई, कार्बन पेपर भी, ऑल ओवर सब कुछ। और मेरा रेट कम इसलिए है क्योंकि ये कंपटीशन मार्केट है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा काम चारों ओर फैल जाए, क्योंकि मैं पोस्टर नहीं लगाता हूँ, ऐड नहीं देता हूँ, क्योंकि जो मेरे से बनवाता है वही फिर अपने फ्रेंड सर्कल में से या फैमिली मेम्बर में से किसी को फिर से लाता है, ऐसे ही करके मेरा अच्छा खासा मतलब कम्युनिटी बढ़ गया है इस लाइन में। अभी तो कोरोना का भी टाइम था तो आप इस कारण से भी फीस कम लेते होंगे कि अभी किसी का इनकम ज़्यादा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा शुरुआत से ही रेट कम है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपना काम दिखा सकूँ, काम मतलब टैटू का जो मेरा जो कला है वो दिखा पाऊँ सबको। अगर आपसे बनवाना हो किसी को भी, अगर आसपास के एरिया जैसे हावड़ा हो गया
कोई बर्दवान ऐसे जगह से आए बनवाने के लिए, तो उसको आने के लिए आप एड्रेस अपना बता सकते हैं कहाँ से किधर से आएगा? हाँ, मेरा एड्रेस है डानकुनी, और अगर कोई डानकुनी से आते हो तो बस ऐसे ही कॉल कर लो, मेरा नंबर दिया रहेगा, उसी से आप कॉन्टेक्ट कर लो। और हावड़ा से कोई आना चाहते हो तो उत्तरपाड़ा आ जाओ, उत्तरपाड़ा से सीधा आ जाओ, एक ऑटो पकड़ो, मेरे घर आ जाओ। आपका नियर स्टेशन उत्तरपाड़ा और डानकुनी है? हाँ, डानकुनी है। और अगर कोई चाहता है, जैसे खास करके लड़की या आंटी लोग जो रहती कि हम नहीं जा पाएंगे, तो इच्छा है टैटू बनवाने का, तो हम रेडी है, डोर स्टेप में भी जाके हम काम करते हैं। मतलब आप वही बोलेंगे तो हम जाके काम करते हैं। कोई बुलाए अपने घर बनवाने के लिए तो आप जा सकते हैं ना? ठीक है। अगर आपका तो मतलब ये घर में ही है, आपका स्टूडियो मतलब बना के अभी नहीं रखे हैं, अभी तो ये घर ही है? स्टूडियो नहीं बनाया, मैं वही बोल रहा हूँ कि हाँ स्टूडियो बनवाने का इच्छा है, आगे जगह भी है, सब कुछ देख के भी रखा है, लेकिन चल रहा है ऐसे चलने तो क्या है जरूरी, मैं स्टूडियो बनाऊंगा उसमें एसी लगाऊंगा, फिर उसका फीस भी तुमसे लूंगा, क्या जरूरी है, तुमको काम से मतलब है? आजकल के लड़कों और लड़कियों का फैशन देख के आप लोग आप घर ही में बनाने लगे और कम फीस में सबको अपना फैशन, हाँ सबको ही करके जाओ कम रेट में, आपको भी मतलब हो जाए कम रेट में, और मुझे भी अपना मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसका खर्चा आ जाए। अच्छा, तो अपने टाइट जो टैटू है उसका स्टूडियो का नाम घर में तो है, लेकिन इसका नाम क्या रखे? अगर कोई मतलब इंस्टा में या एबी में, एबी पेज में या यूट्यूब में सर्च करना चाहते हो मेरा काम देखने के लिए, तो उसमें ऑसम टैटू हाउस सर्च करो, आ जाएगा। यूट्यूब में चैनल भी आपका? हाँ हाँ, ऑसम टैटू हाउस, हर जगह ऑसम टैटू हाउस है। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। तो आज रहा ये इंटरव्यू, मेरे एक बगल में टैटू आर्टिस्ट भैया ही लगते हैं, उनका ही साथ में आज का मेरा इंटरव्यू रहा। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, आप लोग को किसी को भी अगर टैटू बनवाना हो तो यहाँ पे संपर्क करें, आप लोगों को नंबर दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर रहेगा और वीडियो में भी नंबर दे देंगे और एड्रेस के साथ में नंबर भी रहेगा, आप लोग उनसे बात करके यहाँ पे आ सकते हैं और कम फीस में अच्छा एक टैटू बनवा सकते हैं। मार्केट के हिसाब से बहुत ही कम फीस है यहाँ पे, आप लोग को अगर बनवाना हो तो यहाँ पे मिलिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा।